जो लोग खुद अध्यक्ष महोदय मीर जाफर की औलाद हैं, बांग्लादेशी औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, मार्क्स लेनिन की औलाद हैं, जिन्ना की औलाद हैं, ऐसे देशद्रोही लोग, ऐसे जो है जिन्ना की औलाद, ऐसे बांग्लादेशी कहा गया हूँ महबूब आलम, वो महबूब आलम कहा गया अध्यक्ष महोदय, वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम कहा गया अध्यक्ष महोदय, ये देशद्रोही चाइना लेनिन की औलाद, ये लोग जो अध्यक्ष महोदय, ये लोगों ने प्रस्ताव होना चाहिए महबूब आलम, ये लोकतंत्र का अपमान है और विधानसभा का अपमान है, और इसलिए आज से ये हम समझते हैं कि विधानसभा को संजय सराव की जो माननीय विधायक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपत्ति करता हूँ कि इन्होंने कहाँ गया महबूब, माननीय सदस्य के खिलाफ है, माननीय सदस्य रामबाली साबित करता है, आप बैनर रखेंगे भाषा में, माननीय सदस्य बैनर रखें बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। विधानसभा के अंदर भाकपा माले और भाजपा विधायक के बीच में बहसबाजी, खास करके कौन किसका औलाद है इसको लेकर कल हुई थी, और मैंने आपको ये वीडियो दिखाया भी था। आप सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि किस तरह से भाकपा माले के विधायक महबूब आलम भाजपा वाले विधायक को गोवालकर और गोडसे की औलाद तक कह दी थी, और साफ ही कहा था कि ये दलित और मुस्लिम और गरीब विरोधी पार्टी है, ये लोग किस हक से महात्मा गांधी के नाम लेते हैं। जिसके बाद भाजपा के दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने पलटवार किया था और महबूब आलम को बहुत कुछ सुनाया सदन के अंदर। जो लोग खुद अध्यक्ष महोदय मीर जाफर की औलाद हैं, बांग्लादेशी औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, मार्क्स लेनिन की औलाद है, जिन्ना की औलाद है, ऐसे देशद्रोही लोग, ऐसे जो है जिन्ना की औलाद, ऐसे बांग्लादेशी कहा गया हूँ महबूब आलम, वो महबूब आलम कहा गया अध्यक्ष महोदय, वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम कहा गया अध्यक्ष महोदय, ये देशद्रोही चाइना लेनिन की औलाद, ये लोग जो अध्यक्ष महोदय, ये लोगों ने प्रस्ताव होना चाहिए। उन्होंने औरंगजेब, मीर जाफर, लेनिन और चाइना और बांग्लादेश की औलाद तक कह दिया। इसके साथ ही वो साफ लफ्ज यानी कड़क आवाज में कह रहे थे कि कहां गया महबूब आलम, कहां गया महबूब आलम, इस तरह का बयान उन्होंने सदन के अंदर दिया था, जिसके बाद माहौल गर्मा गर्म हो गया। लेकिन इन तमाम बातों के बाद सदन के चौथे दिन भी सदन में भाकपा माले सहित राजद के कई विधायकों ने इस मामले को लेकर सदन के अंदर जोर तरीके से विरोध जताया है। साथ ही कहा कि इस तरह का भाषा एक माननीय सदस्य के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है पूरे तरीके से गलत है और असंसदीय है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं माननीय सदस्य, माननीय विधायक, आप सुनिए। कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, कार्य मन एक मिनट रुक लीजिए। माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज प्रथम, जो कल लोकतंत्र यहां शर्मसार हुआ कि कोई विधानसभा का सदस्य यदि विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया है तो उसको कोई इस ढंग से अपराधियों की भाषा में आके धमकी देगा कि कहां है महबूब आलम, कहां है महबूब आलम, ये लोकतंत्र का अपमान है और विधानसभा का अपमान है, और इसलिए आज से ये हम समझते हैं कि विधानसभा को संजय सराव की जो माननीय विधायक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूरे तौर पे गांव में गरीबों को ये भाजपा के लोग धमकी देते हैं, अल्पसंख्यकों को धमकी देते हैं, और उसी ढंग से यहाँ पर आकर के ये धमकी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र और फासिस्ट कार्रवाई है महोदय, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं महोदय और पूरा सदन जो है इस पर कार्रवाई करे कि विधानसभा में लोकतंत्री संस्था में धमकी देना कहां तक सही है। माननीय सदस्य, ये गरीबों के साथ महबूब आलम पूरे बिहार के गरीबों के नेता, दलितों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं, और उनके साथ अपमानजनक कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र के मंदिर में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सदस्य, सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है कि कार्रवाई शुरू है, कार्रवाई हो रही है, आने वाले वित्तीय वर्ष में
ही उस पर प्राथमिकता ध्यान दे दी जाएगी और आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सरकार ने दिया है। आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपत्ति करता हूं कि इन्होंने कहां गया महबूब माननीय सदस्य के खिलाफ है। माननीय सदस्य रामबाली से साबित करता है। आप बैनर रखें नीचे। भाषा में माननीय सदस्य बैनर रखें। बात करते हैं तो माननीय सदस्य कि हम जमींदारी दिखावे ला करके आए हैं। ये जमींदारी भाषा सदन के अंदर नहीं चेतावनी के तौर पर कहना चाहते हैं कि माननीय सदस्यों की गरिमा मत गिराइए। राजनीतिक दिखा जितनी बात करनी हो आप करिए। माननीय सदस्यों के गरिमा को तो आप देख रहे थे, आपने सुना है कि किस तरह से भाकपा माले और राजद के विधायक साथ ही कांग्रेस के शकील अहमद और भाकपा माले के सत्यदेव राम सहित कई विधायक महबूब आलम के समर्थन में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा विधायक के द्वारा खुलेआम सदन के अंदर धमकी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। जिस तरीके से विधायक का नाम लेकर खोजा जा रहा है ये कहीं भी संसदीय भाषा नहीं है और इस तरह का अगर कोई शब्द प्रयोग कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करने की मांग की है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।